नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते होंगे बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो आज हम लोग लेके आए हैं एक नया चैप्टर नई उमंग के साथ। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व किया था, तो आज हम पाषाण काल से संबंधित चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। आइए आगे देखते हैं। पाषाण काल, जैसा कि आप लोगों को नाम से ही क्लियर हो जा रहा होगा कि पाषाण का मतलब पत्थर, तो पत्थर से संबंधित काल, पत्थर से संबंधित काल पाषाण काल। तो ये बहुत ही बड़ा एक टाइम पीरियड था पाषाण काल का, तो इसको हम लोगों ने इसके अंतर्गत रखा है, प्राक इतिहास के अंतर्गत रखा है। इतिहास के इसको तीन भागों में बांटा गया है, इतिहास की दृष्टि से इसको तीन भागों में हम लोगों ने बांटा है इतिहासों ने, हमारे इतिहासकारों ने। सर्वप्रथम हम देखेंगे इसका इतिहास क्या है, प्राग इतिहास। प्राग इतिहास को प्री हिस्ट्री, भी बोला जाता है, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, और ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिकल पीरियड। तो प्राग इतिहास के अंतर्गत हम पाषाण काल को रखते हैं। किसके अंतर्गत रखते हैं? पाषाण काल के अंतर्गत। पाषाण काल किसके अंदर रखते हैं? प्राग इतिहास के अंतर्गत, यानी प्री हिस्ट्री के अंतर्गत। और जो प्रोटो हिस्ट्री के अंतर्गत आएगा वो सैंधव सभ्यता है और वैदिक काल सभ्यता है। और इधर ऐतिहासिक काल के अंतर्गत छठी शताब्दी ईसा पूर्व, मतलब गौतम बुद्ध, जो हो गया, बुद्ध हो गया, जैन हो गया, महाजनपद, महाजनपद काल को ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखेंगे। सर्वप्रथम हम देखेंगे कि प्राग इतिहास क्या है। प्राग इतिहास जो है इसके अंतर्गत हमें प्राचीन साक्ष्यों के रूप में हम देखेंगे, सर्वप्रथम हम देखेंगे कि प्राग इतिहास जो है इसको कैसे बांटा गया है। तो प्राग इतिहास है इसको हम पाषाण काल इसको इसके अंतर्गत रखते हैं। तो प्राग इतिहास का अर्थ होता है, प्राग इतिहास का अर्थ होता है कि इसका एक पुरातात्विक साथ जो है, पुरातात्विक साक्ष्य, प्राग इतिहास, जो है इसके जानकारी के लिए हमें पुरातात्विक, स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। पुरातात्विक साक्ष्य, हैं और लिखित साक्ष्य भी हैं, परंतु हमें अभी तक लिखित साक्ष्य जो प्राप्त हुए हैं उनको लिखित साक्ष्य इसके अंतर्गत नहीं प्राप्त होते हैं। और इसी तरह जो आद्य इतिहास है, आद्य इतिहास के अंतर्गत हमें पुरातात्विक, व लिखित, दोनों ही साक्ष्य प्राप्त होते हैं। परंतु इन दोनों में डिफरेंस आपको समझिए। सबसे पहले इन दोनों में डिफरेंस समझेंगे। जो प्राग प्राग इतिहास है इसके अंतर्गत हमें पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त होते हैं, तो पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर हमें प्राग इतिहास की जानकारी हो पाती है। और पूरा आद्य इतिहास को हमने आद्य इतिहास को पुरातात्विक साक्ष्य और लिखित साक्ष्य दोनों उपलब्ध हैं, लेकिन जो लिखित साक्ष्य हैं इनको भी पढ़ा अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। लिखित साक्ष्यों को ना पढ़ा जाने के कारण इसके अंतर्गत जो आता है, आपको देख लीजिए, सिंधु सभ्यता है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में लिखित साक्ष्य भी हमें प्राप्त हुए हैं, पर उसकी लिपि और भाषा ऐसी है जैसे उसका क ख ग हमें पता ही नहीं है। उसके इतिहास के बारे में हम लोग कैसे पढ़ेंगे, कैसे उसके लेखों को हम पढ़ सकते हैं? तो ये आदि इतिहास के अंतर्गत आएगा। और ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हमें पुरातात्विक, और लिखित दोनों साक्ष्य प्राप्त हैं, तो जिससे हमें इतिहास को पुरातात्विक और लिखित दोनों माध्यमों से हम जान सकते हैं। पुरातात्विक और लिखित दोनों दोनों माध्यमों से हम ऐतिहासिक काल को समझते हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो आज हम मुख्य रूप से पाषाण काल के बारे में चर्चा करने वाले हैं। अगले वीडियो में हमें आद्य इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, अभी आज हम लोग प्राग ऐतिहासिक। हाँ, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों जो है प्राग इतिहास, प्री हिस्ट्री या प्राग ऐतिहासिक का, प्राग ऐतिहासिक
ये दोनों एक ही नाम है, इंग्लिश में दोनों को प्रीहिस्ट्री के नाम से जाना जाता है, मतलब प्राग इतिहास या प्राग ऐतिहासिक। परीक्षा में आप लोगों को क्वेश्चन घुमाने के लिए प्राग इतिहास और प्राग इतिहास से क्वेश्चन दोनों से पूछ देता है, प्राग प्राग इतिहास या प्राग ऐतिहासिक काल, इस तरह के क्वेश्चन पूछ देता है कि प्राग ऐतिहासिक काल प्राग इतिहास किसे किसे कहते हैं, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना इसके लिए। आगे बढ़ेंगे, भारत में प्राग इतिहास जो है प्री हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री के जनक जनक जो है पिता सर्वेक्षक रॉबर्ट ब्रूसफुट, रॉबर्ट ब्रूसफुट को जो है प्राग इतिहास का जनक कहा जाता है। यह एक जियोलॉजिस्ट है और इनको जो जनक कहा जाता है प्राग इतिहास का। जो हम देखेंगे कि पाषाण काल में उपकरण कैसे कैसे प्राप्त हुए, कहाँ से उपकरणों की खुदाई हुई, खुदाई से जो उपकरण जो प्राप्त हुए, कौन खोजा, तमाम सारी चीजें हैं जो हमें देखेंगे। उपकरण में देखेंगे रॉबर्ट ब्रूसफुट ने 13 मई 1863 को मद्रास के पल्लवरम से पाषाण युग के पहले उपकरण क्वार्टजाइट स्फटिक पत्थर से निर्मित था। जो पहला उपकरण खोजा गया है वो मद्रास के पल्लवरम से, मद्रास मतलब तमिलनाडु, तमिलनाडु 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 जो है उसको प्राचीन काल में मद्रास के नाम से जाना जाता था। वहीं पे एक जगह है पल्लवरम, पल्लवरम से पाषाण युग का पहला जो है उपकरण खोजा गया था, स्फटिक या क्वार्टजाइट पत्थर से निर्मित था। स्फटिक या क्वार्टजाइट ये पत्थर का एक प्रकार है, तो यहीं से पहला हथियार मिला था रॉबर्ट ब्रूसफुट ने खुदाई के दौरान। प्राग इतिहास प्री हिस्ट्री, जैसे कि मैं बताया प्राग इतिहास प्री हिस्ट्री शब्द का प्रथम प्रयोग 1851 में, 1851 में डेनियल विंसल ने, डेनियल विंसल जो है ये एक इतिहासकार है, किया था इन्होंने प्राग इतिहास शब्द का प्रयोग किया था। पाषाण काल के अंतर्गत ईसा पूर्व प्रारंभिक काल से लेकर 3000 ईसा पूर्व तक, जो प्रारंभिक इतिहास है उससे लेकर 3000 ईसा पूर्व तक के मानवीय क्रियाकलापों को अध्ययन करते हैं इसके अंतर्गत, पाषाण काल के अंतर्गत। इसके बाद के काल के आद्य ऐतिहासिक काल, इसके जो बाद का समय है उसको आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर रखा गया है। आद्य ऐतिहासिक काल का मतलब सिंधु सभ्यता और वैदिक काल जो है आद्य इतिहास के अंतर्गत आएगा, प्रोटो हिस्ट्री से कहते हैं अंग्रेजी में, प्रोटो हिस्ट्री कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे, ये जो है मानव का उद्भव एवं विकास का बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर लें। सर्वप्रथम मानव का उद्भव और विकास, मानव का विकास कैसे हुआ है इसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। परीक्षा की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है हमारे सीयूईटी के पेपर में। वर्तमान मानव को होमो नामक श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है, जो वर्तमान मानव है इनको होमो नामक श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। जैसे होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस, जिसमें होमो सेपियंस है दोस्तों, होमो सेपियंस जो है ये अच्छा माना गया है इसको, मतलब जो मानव का ये विकास क्रम में था इसको थोड़ा सा बुद्धिजीवी प्राणी माना गया था होमो सेपियंस को। आइए इसके बारे में थोड़े से ब्रीफ चर्चा कर लेते हैं हम लोग। होमो हैबिलस, इसको प्रथम मानव, होमो हैबिलस जो है मानव का जो मानव वर्गीकृत के पहले प्रकार में है, इसको प्रथम मानव या कारीगर मानव, स्किलफुल मैन कहा जाता था। होमो इरेक्टस जो है, होमो इरेक्टस ने सर्वप्रथम पत्थर के हैंडेक्स बनाए, पत्थर के इंडेक्स का आशय, पत्थर का इंडेक्स मतलब जो पत्थर के जो हाथ से चलाने वाले जो हथियार बने हमारे पूरा पाषाण काल में उसको ये बताता है। और अग्नि का आविष्कार जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, अग्नि का आविष्कार भी होमो इरेक्टस के द्वारा ही अग्नि का भी आविष्कार किया गया है। अग्नि का आविष्कार से संबंधित भी क्वेश्चन हमारे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या बनते हैं आपको हम बता दें, क्वेश्चन बताए चले, ऐसे आग की खोज कब हुई और आग का उपयोग कब हुआ, ये दो क्वेश्चन बनते हैं हमारे चलने में। हम लोग कंफ्यूज जाते हैं कि आग की खोज और आग का उपयोग, तो दोस्तों आग तो पहले से ही था, उसका उपयोग के बारे में जानकारी हमें नौ पाषाण काल में, और खोज तो उस खोज जो है उसको खोज नहीं हुआ है, आग पहले से उपस्थित था हमारे ब्रह्मांड के अंतर्गत, तो उसका बस ज्ञान नहीं था हमारे मानव को, प्राचीन जो मानव थे उनको ज्ञान नहीं था आग का। तो ये क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, उपयोग पूछ लेता है और खोज पूछ लेता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। होमोसेपियंस, होमोसेपियंस जो हमने बताया होमो सेपियंस को बुद्धिमान मानो, अभी हमने बताया बुद्धिमान मानो,
जिसे होमोसेपियंस को कहा जाता है, प्रज्ञ, प्रज्ञ का अर्थ होता है बुद्धि से ही होता है, या सोचने वाला मानव भी। बुद्धिमान का मतलब है जो सोचेगा, ऑब्वियस सी बात है वही बुद्धिमान होता है, सोचता है जो आदमी बुद्धिमान होता है। आगे बढ़ेंगे। पाषाण काल, ये पाषाण काल है जो, इसको वर्गीकरण पढ़ लेंगे हम कि इसको कैसे वर्गीकरण किया गया है, क्योंकि ये बहुत लंबा टाइम पीरियड है तो इसको एक साथ पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इतिहासकारों ने अध्ययन में सुविधा के लिए इसको तीन भागों में जो है बांटा है। पहला भाग है पाषाण काल का, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। अंग्रेजी में इसे पेलियोलिथिक एज, मिसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज कहते हैं। इसका टाइम पीरियड जो है दोस्तों 6 लाख से 10,000 ईसा पूर्व, 6 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। देखिए कितना बड़ा टाइम पीरियड है। मध्य पाषाण काल 10 या 8,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक, 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक मध्य पाषाण काल, और नव पाषाण काल को 4,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक। बहुत लोग कंफ्यूज आते हैं, नव पाषाण काल का टाइम 4,000 ईसा पूर्व है, कहीं कहीं आपको 9,000 या 10,000 भी मिलता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। भारत में जो है इसका मतलब नव पाषाण काल की जो पुरातात्विक और साहित्य स्रोत प्राप्त होते हैं, पुरातात्विक स्रोत, वो 4,000 ईसा पूर्व के आसपास से ही प्राप्त होते हैं, तो हम इसको 4,000 ईसा पूर्व लेके चलते हैं। आगे देखेंगे जो पाषाण काल है इसको तीन भागों में बांटा गया है, क्योंकि ये काफी लंबा, 6 लाख से 10,000 ईसा पूर्व तक था, काफी लंबा टाइम पीरियड था, तो इसको हमने तीन भागों में बांटा है। निम्न पूर्व पाषाण युग जो 6 लाख से 1,50,000 ईसा पूर्व, मध्य पाषाण युग 1,50,000 से 35,000 ईसा पूर्व, और जो उच्च पूर्व पाषाण युग है 30,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। ये भी एक काफी लंबा टाइम था तो पूरा पाषाण काल का, तो इसको भी इतिहासकारों ने तीन भागों में बांट दिया, अध्ययन की सुविधा के लिए किया गया है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हुए हम सर्वप्रथम निम्न पूरा पाषाण काल के बारे में जानेंगे। निम्न पूरा पाषाण युग, निम्न पूरा पाषाण युग जो है, पूर्व पाषाण युग को उपकरणों के आधार पर दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। अब देखिए सर्वप्रथम पूरा पाषाण काल को तीन भागों में बांटा गया, निम्न पूर्व पाषाण काल, उच्च मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। और निम्न पूरा पाषाण काल को उपकरणों के आधार पर दो भागों में बांट दिया गया, तो देखेंगे सर्वप्रथम उपकरण कौन से हैं, चॉपर चॉपिंग या पेबल संस्कृति। चॉपर चॉपिंग या पेबल संस्कृति, क्वेश्चन पूछ लेता है पेबल संस्कृति संबंधित है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा निम्न पूरा पाषाण काल, निम्न पूर्व पाषाण काल। आगे है एक्सक्यूलियन, एक्सयूलियन संस्कृति है, हेंडेक्स, हेंडेक्स एवं क्लीवर। हेंडेक्स जैसा बताया, हेंडेक्स जो हाथ से चलाए जाते थे, हाथ से चलाए जाते थे जो पत्थर, प्राचीन काल में पत्थर उपकरण जो बने थे चलाने के लिए, उसको हेंडेक्स कहा जाता था, इसको इसी नाम से भी जानते हैं, इस संस्कृति एक्सयूलियन संस्कृति भी कहा जाता है। चॉपर चॉपिंग सर्वप्रथम सोहन नदी घाटी, सोहन नदी घाटी कहाँ है पता है आप लोगों को, सोहन नदी घाटी जो है पाकिस्तान में पड़ती है, पाकिस्तान के क्षेत्र है, तो चॉपर चॉपिंग सर्वप्रथम सोहन नदी घाटी से मिले हैं, सोहन नदी घाटी से मिले हैं, इसलिए इस काल को सोहन संस्कृति के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, चॉपर चॉपिंग या सोहन संस्कृति। वही एक्सक्यूलियन संस्कृति को हेंडेक्स संस्कृति कहते हैं, अभी बताया हम लोगों ने एक्सक्यूलियन संस्कृति या हेंडेक्स संस्कृति। हेंडेक्स को 28 सितंबर 1864 में, हेंडेक्स को जो है 28 सितंबर 1864 में प्रोफेसर किंग, ये रॉबर्ट ब्रूसफुट के मित्र थे, रॉबर्ट ब्रूसफुट के मित्र थे, फुट के मित्र थे, ठीक है, मद्रास के, तमिलनाडु के, और अतिरम्पक्कम से प्राप्त, ये थोड़ा गलत हो गया है, अतिरम्पक्कम नहीं, अतिरम्पक्कम जैसे हम एक आप लोगों के लिए एक शब्द, मतलब नया शब्द जोड़ देते हैं, अतिरम्पक्कम, अतिरम्पक्कम, इससे आप लोग रिलेट करके याद कर सकते हैं आसानी से, अतिरपक्कम, अतिरपक्कम जो है शब्द है, सही शब्द है, और अतिरम्पक्कम जो है एक एक ह्यूमन माइंड के लिए मान लीजिए दिया गया शब्द है, जैसे आदमी कोई चीज होता है कि उसको याद नहीं हो रहा है, उसको हम किस चीज से कोरिलेट करके याद करते हैं और परीक्षा में आता है तो सही टिक करके चले आते हैं, तो हमारा क्वेश्चन बन जाता है आसानी से, इससे ज्यादा याद करने में आप लोगों को सुविधा होगी। तो अतिरम्पक्कम से अतिरपक्कम याद करेंगे, तमिलनाडु से प्राप्त किया गया था। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे मध्य पूर्व पाषाण काल की, कि मध्य पूर्व पाषाण काल की कालावधि क्या है, इसकी संस्कृति कैसी थी, तमाम सारी चीजें पढ़ेंगे। देखिए इसका टाइम पीरियड दोस्तों, समय है ये 1.5 लाख ईसा पूर्व से 35,000 ईसा पूर्व,
1.5 लाख ईसा पूर्व से 35,000 ईसा पूर्व इसका जो टाइम पीरियड रहा है। अन्य नाम इसके क्या है भाई? केडी बनर्जी ने इसे नेवासियन संस्कृति, नेवासियन संस्कृति भी कहा है, तथा एके घोष ने फलक संस्कृति। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, पूछ लेता है कभी क्या परीक्षाओं में, फलक संस्कृति किसे कहते हैं? फलक संस्कृति मध्य पूर्व पाषाण काल, फलक संस्कृति मध्य पूर्व पाषाण काल। और पूछ लेगा कि फलक संस्कृति कौन नाम दिया है, फलक संस्कृति नाम किसने दिया है मध्य पूर्व पाषाण काल को? एके घोष है इसके नाम देने वाले जो है फलक संस्कृति। फलक संस्कृति क्यों कहा गया, फलक संस्कृति क्यों कहा गया? जैसे निम्न पूरा पाषाण कहा जाता है, उसमें औजार जो बने थे वो पत्थर के औजार बनते थे, क्वार्टजाइट स्फटिक पत्थर जो तमाम सारे पत्थर है इससे औजार बनते थे, तो पत्थर जो औजार शुरू शुरू बने वो काफी अच्छे, मतलब थोड़े से भद्दे टाइप के थे या उतने तेज हथियार टाइप के नहीं बनते थे। तो बाद में जो मध्य पूरा पाषाण पूर्व पाषाण काल है इसमें थोड़ा सा ब्लेड फलक और ब्लेड, और ब्लेड आप सब जानते हैं कि ब्लेड एक धारदार चीज होती है, तो इसीलिए थोड़ा सा इसमें धार दे दिया गया, धार आया इसमें, तो इसके लिए हम लोग मध्य पूरा पाषाण काल को फलक संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे पूरा पाषाण काल का तीसरा भाग, उच्च पूर्व पाषाण काल, इसे श्रेष्ठ पाषाण क्यों कहा गया है भाई? श्रेष्ठ पाषाण इसलिए कहा गया है कि इस काल में थोड़े मॉडिफिकेशन हो गया औजारों के अंतर्गत, तो इसलिए इसे श्रेष्ठ पाषाण काल भी कहते हैं। इसकी जो कालावधि है आप सभी को पता है, 35,000 BC से 10,000 इसकी कालावधि जो है 35,000 से 10,000 तक इसी तक मानी गई है, कालावधि 35,000 BC से 10,000 BC तक मानी जाती है। बेलन घाटी से ही सबसे पहले भारत के उच्च पूर्व पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। जो बेलन नदी घाटी है, बेलन नदी घाटी किधर आपको पता है? बेलन नदी घाटी से ही सर्व भारत में उच्च पूर्व पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। साक्ष्य में क्या मिला है भाई? हथियार मिले हैं, कोई प्रतिमा मिली होगी, ऐसी सारी चीजें बेलन नदी घाटी से मिली है। आगे बढ़ेंगे, उपकरण की चर्चा कर लें कि उपकरण कैसे थे जो उच्च पूरा पाषाण काल को श्रेष्ठ पाषाण काल की संज्ञा देते हैं। तो इस काल के उपकरण, सीधी सी बात है कि उपकरण कुछ अच्छे रहेंगे, चीजें अच्छी रहेंगी, तभी इसको श्रेष्ठ पाषाण काल कहा गया है। तो आइए उपकरण के बारे में चर्चा कर लेते हैं। उपकरण हेडिंग है हमारा उपकरण, उच्च पूर्व पाषाण काल से उपकरणों के निर्माण में विशेषीकरण पर बल दिया गया है। उपकरण तो निम्न पूरा पाषाण काल मध्य पूरा पाषाण काल में बनते थे, पर इसमें विशेष बल दिया गया, मतलब उसको थोड़ा सा मतलब मॉडिफिकेशन किया गया हथियारों को बनाने में, औजारों को बनाने में, इसलिए इसे उच्च पूरा पाषाण काल का विशेषीकरण इसे कहते हैं हथियारों का। इस काल का मुख्य उपकरण ब्लेड था, ब्लेड फलक जो है इस काल का मुख्य हथियार था, इसलिए इस काल को ब्लेड प्रधान उच्च पूर्व पाषाण काल को ब्लेड प्रधान भी कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, इस काल की दो विशेषताएं हैं, विशेष बातें क्या है इस काल की जो इसको श्रेष्ठ बनाती है, तो वो है नए चकमक उद्योग की स्थापना, उद्योगों की स्थापना की गई। प्रज्ञ मानव जो होमोसेपियंस मानव था वो इसी काल से संबंधित है, हमारे उच्च पूर्व पाषाण काल से। तो इसलिए भी जैसे बुद्धिमान मानव जब हुआ तो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया चीजों में, काफी सारी चीजें विकसित हुई, तो इसलिए इसे श्रेष्ठ पाषाण काल की संज्ञा दी गई है, जैसा कि हमने पीछे बताया अभी। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हुए हम जो इसको तीन भागों में बांटे थे, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, तो दूसरा भाग मध्य पाषाण काल मिसोलिथिक एज। तो मिसोलिथिक दो शब्दों से मिलकर बना है, मिसो और लिथिक। तो जो मिसो का अर्थ है मध्य है और लिथिक का अर्थ है पाषाण का अर्थ पत्थर, मध्य और पाषाण दो शब्दों से मिलकर ये बना है हमारा मध्य पाषाण काल। मिसो और लिथिक दो शब्दों से मिलकर बना है। आदमगढ़ ये मध्य प्रदेश में एक जगह है, ये मध्य पाषाणकालीन स्थल है। यहां से जो है हमें ऐसा स्थल है जहां से हमें साक्ष्य मिले हैं, पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, आदमगढ़ और बागोर जो है राजस्थान में जगह है, यहां से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। तो कभी कभी प्रश्न पूछता है कि पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं, किस काल से प्राप्त हुए हैं, कभी जगह पूछ लेता है, कभी काल पूछ लेता है,
तो आप लोगों को एकदम कंफ्यूज नहीं होना है। और मध्य पाषाण काल और आदमगढ़ है, बागोर है, दो जगह है यहाँ से, और पूछेगा जब ऑप्शन में दोनों चीज दे देगा, आदमगढ़ और बागोर दोनों चीजें अगर पूछता है तो आप उसमें सबसे पहले बागोर को टिक करेंगे, क्योंकि बागोर में तो प्राचीनतम साक्ष्य मिला है, इससे मिला है, लेकिन इसके बाद ये मिला है आदमगढ़ का। आगे बढ़ेंगे, मध्य पाषाण काल की शुरुआत जो है, मध्य पाषाण काल की शुरुआत 10,000 ईसा पूर्व से मानी जाती है, जो 10,000 ईसा पूर्व से इसकी शुरुआत मानी जाती है। लघु उपकरण को सबसे पहले सीएल कार्लाइल ने 1867 में विंध्य क्षेत्र से खोजा था। जो इस काल के उपकरण थे वो सीएल कार्लाइल ने इसको विंध्य क्षेत्र, विंध्य क्षेत्र जो मिर्जापुर की विंध्याचल श्रेणी है, इसी को विंध्य क्षेत्र कहा जाता है, विंध्य क्षेत्र से उपकरणों को खोजा है मध्य पाषाण काल के। इस काल के उपकरण जो छोटे थे, इस काल के जो जैसे कि हमने बताया कि जो उच्च पुरा पाषाण काल था उसमें श्रेष्ठ पाषाण काल कहा गया, तो उसमें जो मानव था वो थोड़ा होमो सेपियंस मानव, बुद्धिमान मानव था, तो बुद्धिमान मानव होने के कारण वो आगे बढ़ता गया, उसकी परंपरा आगे बढ़ती गई मानव की, तो जब आगे बढ़ता गया मध्य पाषाण काल तक आया, तो फिर हमने क्या देखा कि चीज़ों में मॉडिफिकेशन बहुत ज़्यादा हुआ, चीज़ें मॉडिफाई हुई तो अच्छी हुई कुछ चीज़ें, जैसे हथियार जो है, और इसीलिए इसको एक और नाम दिया जाता है माइक्रोलिथिक एज, माइक्रोलिथिक। माइक्रोलिथिक एज भी मध्य पाषाण काल को कहा जाता है, क्योंकि इसके जो उपकरण थे 1 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर के बनने लगे थे, तो इसके माइक्रोलिथिक एज के नाम से, माइक्रो का मतलब छोटा, छोटे से इसका अर्थ है। आगे बढ़ेंगे मध्य पाषाण काल के बारे में, जो उसमें जो निर्माण होता था, कैसे निर्माण होता, कैसे पत्थरों का प्रयोग किया जाता था, उसको बारे में चर्चा किया गया यहाँ पे। मध्य पाषाण काल के उपकरणों का निर्माण जैस्फर कल्सेडोनी या चाल्सेडनी, चर्ट, फ्लिंट, क्वार्टजाइट, ये सभी पत्थर के प्रकार हैं, जो हमने बताया क्वार्टजाइट, जैस्फर, चर्ट, फ्लिंट, ये सभी पत्थर के प्रकार हैं। तो इन पत्थरों से जो मध्य पाषाण काल में निर्माण होता था। प्रक्षेपास्त्र में देखे तो धनुष बाण इसी काल में आया, जो भगवान श्री राम के, हम लोग अभी देखा है कि भगवान श्री राम की मूर्ति की स्थापना हुई है अयोध्या में, तो भगवान श्री राम जो युद्ध करते थे तो धनुष बाण के द्वारा ही, जो रामायण का युद्ध हुआ था वो लड़ा गया था रावण और राम के बीच धनुष, तो उसका जो है इसका भी प्रमाण हमने प्रक्षेपास्त्र, जो धनुष है उसको प्रक्षेपास्त्र के अंतर्गत रखते हैं। जैसे शस्त्रों को कई प्रकार में बांटा गया, प्रक्षेपास्त्र हो गया और हाथ से हैंडएक्स जो बताया अभी, तो धनुष बाण को प्रक्षेपास्त्र के अंतर्गत रखा जाता है, तो इसका भी प्रमाण में मध्य पाषाण युग से मिला है। भारत में मानव अस्थि पंजर सर्वप्रथम इसी काल में मिलते हैं, जो मान्य अस्थि पंजर का मतलब हड्डियों से, तो मानव की हड्डियां सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त हुई है। शौध अपनाने की प्रथा, सीधी सी बात है भाई कि होमो सेपियंस मानव था, थोड़ा सा बुद्धिजीवी हो गया था, बुद्धिजीवी था, तो शवों को दफनाने भी लगा था, शवों को दफनाने की प्रथा यहाँ से मध्य पाषाण काल से शुरुआत। इसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि शवों को दफनाने की प्रथा सर्वप्रथम कहाँ से मिलती है, किस युग से प्रारंभ होती है, तो मध्य पाषाण काल आपको सही टिक करके आना है। इसकी कुछ विशेष बातें भाई, बागोर भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल है, बागोर जो स्थल है राजस्थान में पड़ता है, और यहाँ से जो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है, और इसको मध्य पाषाणिक स्थल का सबसे प्राचीन स्थल माना जाता है, और बड़ा भी है, यहाँ खुदाई भी हुई थी, यहाँ से पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है, वही बताया मैंने कि बागोर से साक्ष्य मिलता है पशुपालन का। लंगनाज जो है गुजरात में स्थित एक जगह है, बालू के टीले पर स्थित गुजरात में एक जगह है लंगनाज, तो इसको खोज जो हुई है 1941 में, मध्य पाषाण कालीन स्थल है ये, बहुत चर्चित स्थल है, ठीक है। लंगनाज से 14 मानव कंकाल, क्यों महत्वपूर्ण है भाई, 14 मानव कंकाल एवं तांबे का चाकू, 14 मानव कंकाल एक ही साथ, बहुत बड़ी बात है कि 14 मानव कंकाल एक ही जगह से प्राप्त होना, इसलिए इसको मतलब हम विशेष मानते हैं लंगनाज को, गुजरात में स्थित है, तो यहाँ से तांबे का चाकू मिला है। भाई देखिए, चाकू का भी प्रयोग होता था, आज ही नहीं कि ऐसा नहीं है कि चाकू अचानक से हम लोग प्रयोग में ला दिए हैं, ये प्राचीन काल से हमारे प्रयोग में रहा है। आगे बढ़ेंगे, भीमबेटका एक बहुत मतलब एक गुफा है, 100 से अधिक गुफाएं, लगभग यहाँ 100 से अधिक गुफाएं भीमबेटका से प्राप्त हुई हैं। इसकी जो स्थिति है, जो मध्य प्रदेश में है, रायसेन जिला, मध्य प्रदेश, एमपी के रायसेन जिला से भीमबेटका स्थित है। 1957 में विष्णुधर वाकड़कर महोदय ने भारत में पाषाण काल का पितामह माना जाता है।
वाकणकर महोदय जो है भीमबेटका से मध्य पाषाण कालीन जो है चित्रों की खोज की थी, और इसी कारण इनके वाकणकर महोदय को है भारत में पाषाण काल का पितामह, जो पाषाण काल के पितामह पिता के नाम से जाने जाते हैं पाषाण काल के, वो है विष्णुधर वाकणकर। बहुत सारी गुफाएं यहाँ से, और एक चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है भीमबेटका के बारे में, भीमबेटका है, भीमबेटका भीमबेटका जो है ये तीनों कालों मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण, पूरा मध्य, नौ पाषाण काल का नेतृत्व करती है। मतलब जो ये तीनों है, तीनों तीनों कालों का इससे चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं भीमबेटका से। भीमबेटका से वराह का चित्र, जो इसकी गुफा है उसकी गुफा में वराह का चित्र, गणेश का प्राचीनतम चित्रांकन। वराह और गणेश ये दोनों की प्राचीनतम अंकन कहां से मिला भाई? भीमबेटका। कहां स्थित है? मध्य प्रदेश रायसेन जिला। ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपके पेपर में, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। भीमबेटका से अंत्येष्टि का साक्ष्य मिलता है, जो अंत्येष्टि है, अंत्येष्टि मतलब अंतिम संस्कार का जो साक्ष्य मिलता है वो भीमबेटका से मिला है, हिंदू धर्म से संबंधित है, अंत्येष्टि संस्कार हिंदू धर्म से संबंधित है, ये भी पूछ सकता है। तो इसका जो है साक्ष्य मिला है हमें भीमबेटका से। आगे बढ़ेंगे, ऊपरी विंध्य क्षेत्र, उत्तर प्रदेश का जो ऊपरी क्षेत्र है मिर्जापुर की तरफ, विंध्य रेंज का क्षेत्र जो है ऊपरी विंध्य क्षेत्र के आता है ये क्षेत्र। तो मिर्जापुर जिले से 50 से अधिक मध्य पाषाण स्थल, अभी हमने बताया कि मिर्जापुर जो है उससे हमें मध्य पाषाण काल के 50 स्थल मिले हैं, उससे अधिक ही मिले हैं अभी, 50 लगभग में बताया जा रहा है, और अधिक खुदाई होगी आगे तो दोस्तों, और जो पुरातात्विक खुदाई चल रही है उससे और भी अधिक साक्ष्य मिलने वाले हैं। लहुरा देव यूपी के संत कबीर नगर में स्थित है, यूपी का जो संत कबीर नगर है, उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में लहुरा देव नामक स्थान स्थित है, कृषि किए जाने का प्रमाण मिलता है यहाँ से। लहुरा देव, लहुरा देव से कृषि का प्राचीनतम प्रमाण मिलता है। एक चीज और क्वेश्चन पूछता है आपके कि सबसे प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं भाई? तो कभी कभी क्वेश्चन ऑप्शन में रहता है मेहरगढ़, कोल्डीहवा और लहुरा देव। तो इन तीनों में अगर सबसे जो मोस्ट अच्छा क्वेश्चन है, जो अच्छा उत्तर होगा आपका, तो वो होगा लहुरा देव, क्योंकि लहुरा देव में सबसे प्राचीन साक्ष्य मिला है। लहुरा देव मेहरगढ़ से मिला है साक्ष्य मिला है, और कोल्डीहवा से मिला है, तो इसको हम याद कैसे कर सकते हैं? एक जैसे हम लहुरा देव, लहुरा देव एल, एल फॉर लहुरा, एम फॉर मेहर, मेहरगढ़, और के फॉर कोल्डीहवा, एल एम के। अगर ऑप्शन में तीनों है, ऑप्शन में अगर तीनों है भाई, तो सबसे इसका जो उचित उत्तर होगा वो लहुरा देव होगा, संत कबीर नगर लहुरा देव। अगर दो पूछा है दोनों में से तो मेहरगढ़ होगा, और एक ही पूछा है कोल्डीहवा तो कोल्डीहवा, कोल्डीहवा थोड़ा आधुनिक हो जाता है, इलाहाबाद के पास पड़ता है। आगे बढ़ेंगे, यहीं से चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। तो चावल का जो साक्ष्य है भाई, वो सबसे प्राचीनतम साक्ष्य यहीं लहुरा देव से मिला है। एक चीज और यहाँ एडिशनल चीज हम याद आ गई है, आप लोग बताते चले कि जो है सबसे पहला जो अनाज था उसको कौन सा था जो मानव द्वारा उगाया गया था? तो सबसे पहला जो अनाज था वो जौ था, जो मानव द्वारा उगाया गया था। और एक और क्वेश्चन है कि सबसे पहला वो अनाज कौन सा जिसको मानव द्वारा खाया गया था? तो वो गेहूं है, उसके बाद चावल आएगा, मक्का आएगा, इन सब चीजें आएंगी, लिख देता हूं उसको। जौ जो है, जौ, गेहूं, गेहूं, चावल, मक्का। तो सबसे पहले दोस्तों गेहूं क्यों खाया, एक क्वेश्चन आप लोग दिमाग में आ रहा होगा कि सबसे पहले आदमी ने गेहूं क्यों खाया, सबसे पहले उगाया जौ और खाया गेहूं। तो इसका सीधा सा अर्थ है, जैसे हिंदू हिंदू धर्म में आप लोगों ने देखा होगा कि जो पूजा पाठ होती है उसमें जौ का उपयोग किया जाता है, तो जौ का जो उपयोग किया गया सर्वप्रथम, उगाया तो था मानव ने, लेकिन उपयोग उसका खाने बना करके पूजा पाठ में किया, तो इसलिए हमने गेहूं को सबसे पहले खाया था, उगाया जौ था, खाया गेहूं था। ओके, आगे बढ़ेंगे, चौपानी मांडो स्थिति इसकी क्या है भाई? स्थिति देख लीजिए, बेलन घाटी इलाहाबाद, बेलन घाटी इलाहाबाद में स्थित है, ये जो स्थिति है इसकी वो बेलन घाटी इलाहाबाद में स्थिति है चौपानी मांडो की। मांडो से मृद भांडो, मांडो भांडो, मांडो से मृद भांडो का, मृद भांडो का प्रमाण कहाँ से मिला भाई? तो आप उत्तर देंगे, मृद भांडो का प्रमाण जो है हमारे चौपानी मांडो, इलाहाबाद में स्थित है चौपानी मांडो, बेलन घाटी में, चौपानी मांडो, मांडो से भांडो, आपका ये उत्तर हो जाएगा। अच्छा,
याद करने में आसानी रहेगी, चौपानी मांडो भांडो। खोजा गया था भाई इसका, किसने खोज की थी इसको, इस स्थल को बी डी मिश्रा, बी डी मिश्र जो है इतिहासकार हैं, पुरातत्वविद भी हैं, इन्होंने इसको खोजा था 1967 में, 1967 भाई इसकी खोज की गई थी। उत्खनन बड़े पैमाने पर हुआ था इसका, देखिए उत्खनन में क्या क्या हुआ था। यहाँ बड़े पैमाने पर उत्खनन जी आर शर्मा के निर्देशन से यहाँ बीबी मिश्र द्वारा खुदाई किया गया। आगे बढ़ेंगे, मध्य पूर्व पाषाण काल को फलक संस्कृति भी कहते हैं। हमने अभी बताया पीछे कि जो मध्य पाषाण काल है, मध्य पूर्व पाषाण काल है, मध्य पूर्व पाषाण काल को फलक संस्कृति के नाम से जाना जाता है। फलक संस्कृति क्यों जानते हैं भाई, इसमें थोड़ा औजारों का निर्माण थोड़ा मतलब नुकीला होने लगा, इसलिए फलक ब्लेड, भाई पिछले बताया था हमने पिछले स्लाइड में फलक ब्लेड, तो इसको फलक संस्कृति भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछता है फलक संस्कृति किसे कहते हैं, मध्य पूर्व पाषाण काल, उच्च पूर्व पाषाण काल में ब्लेड ब्यूरिन की प्रधानता थी, ब्लेड ब्यूरिन की प्रधानता हो गई, ब्लेड भी था और ब्यूरिन भी था, दोनों साथ साथ चल रहे थे। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जौ था, बताया हमने कि मानव द्वारा जो सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ था, और सर्वप्रथम जो अनाज खाया गया था वो था गेहूं था, इसको उगाया गया था, गेहूं को खाया गया था, उसके बाद चावल और मक्का आते हैं। तांबा होता तो जिसका मानव ने सबसे पहली बार प्रयोग किया, तांबे का चाकू मिला था भाई, तांबे का जो चाकू मिला था तो उस समय मानव ने उसको प्रयोग किया था। इसके पश्चात कांसा तथा अंतर लोहा प्रयोग में लाया गया, जो है तांबा आया सबसे पहले तांबा आया, उसके बाद कांसा आया, फिर लोहा आया, एक क्रम से है एकदम, बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को पढ़ने में। वीडियो को आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो चीजें मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि इससे आप लोगों को नोट्स बनाने में आसानी होगी, थोड़ा आप नोट्स बनाएंगे तो पढ़ने परीक्षा के टाइम आसानी होगी, नई चीजें हैं कुछ तो आप लोगों को ठीक रहेगा। नौ पाषाण काल, पाषाण काल का जो तीसरा भाग है वो नौ पाषाण काल है, नियोलिथिक एज भाई, नौ और पाषाण, नए पाषाण, नौ पाषाण काल इसे कहा जाता है। विश्व के संदर्भ में नौ पाषाण काल की शुरुआत 9000 ईसा पूर्व, जो 9000 ईसा पूर्व है वो विश्व के संदर्भ में नौ पाषाण काल की शुरुआत मानी जाती है, परंतु भारत में इसकी शुरुआत लगभग 4000 ईसा पूर्व, हमने जब बता रहा था इसका वर्गीकरण तो भी बताया था कि 4000 ईसा पूर्व के आसपास इसका टाइम पीरियड माना जाता है, क्योंकि पुरातात्विक शास्त्र जो हमें चीजें प्राप्त होती है कार्बन डेटिंग के आधार पर लगभग 4000 ईसा पूर्व इसकी डेटिंग सही आती है। सर्वप्रथम जॉन लुब्बक ने अपनी पुस्तक प्रीहिस्टोरिक टाइम में किया है इसका वो सर्वप्रथम प्रयोग, इसका प्रयोग किया भाई नौ पाषाण शब्द, नियोलिथिक का प्रयोग सर्वप्रथम किया है जो जॉन लुब्बक ने अपने प्रीहिस्टोरिक टाइम में, जो उनकी पुस्तक है उसका, कभी कभी ये भी नाम पूछ सकते हैं आपको किसकी पुस्तक है, प्रीहिस्टोरिक टाइम भाई जॉन लुब्बक, तो इसमें नौ पाषाण काल का प्रयोग मिलता है। जो नौ पाषाण कालीन स्थल है मेहरगढ़ वगैरह, मेहर से आप याद रखिएगा, मेहर से मेहरगढ़ याद रखिएगा, नौ पाषाण कालीन स्थल है, जिसकी स्थिति जो भाई क्या है, ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के कोची के मैदान में प्रवाहित होता है, होने वाली नदी बोलन नदी, जो बोलन नदी है कोची के मैदान में, इसे रोटियों का वो टोकरी कहा जाता है, कोची के मैदान को रोटी की टोकरी कहा जाता है, याद रखिएगा कोची के मैदान को जो है रोटी की टोकरी भी कहा जाता है। मेहरगढ़ ये पाकिस्तान का स्थल है, बलूचिस्तान के पास, बलूचिस्तान में पड़ता है, बलूचिस्तान के करीब मेहरगढ़। खोजा गया था भाई कब इसको, खोजा गया था 1975 में, जो मेहरगढ़ की है वो खोज की थी, किसने खोज की थी भाई, जे फ्रांसोया जेरिस, फ्रांसीसी पुरातत्वविद थे जे फ्रांसोया जेरिस, इसने इनकी खोज की थी मेहरगढ़ की। आगे बढ़ेंगे, ये नौ पाषाणिक स्थल, दूसरा स्थल पहला मेहरगढ़, दूसरा गुफकराल, गुफकराल का जो अर्थ है भाई वो कुंभार की गुहा, शाब्दिक अर्थ कुंभार की गुहा, कुंभार वो जो मिट्टी का काम करने वाले एक विशेष प्रकार की जाति है उसको कुंभार से रिलेटेड किया जाता है, आज भी हम लोग गांव में चाक चलाते हुए कुंभार को देखा होगा, तो वही कुंभार की गुहा के नाम से इसको जाना जाता है गुफकराल को। इसका उत्खनन करता कौन है भाई, इसकी खोज 1962 में हुई थी, 1962 में इसका खोज हुआ था जो गुफकराल है। इसकी खुदाई जो है ए के शर्मा ने कब कराई भाई, 1981 में इसकी खुदाई शुरू हुई, 1981 में इसकी ए के शर्मा द्वारा इसकी खुदाई हुई, ए के शर्मा। गुफकराल से दो कक्षीय आवासीय गड्ढों की प्राप्ति हुई है, जो गुफकराल जगह है भाई यहाँ से दो कक्षीय आवासीय गड्ढे प्राप्त हुए हैं, और आवासीय मतलब रहने वाले जो गड्ढे हैं इसके अंतर्गत मानव रहता होगा ऐसा हमें जानकारी मिलता है, दो कक्षीय आवासीय गड्ढों की। यहाँ पालिशदार पत्थर के उपकरण तथा सील बट्टों का अनाज पीसने का साक्ष्य मिला है, पालिशदार उपकरण नौ पाषाण काल
बहुत ही मॉडिफिकेशन आ चुका था नौपाषाण काल आते आते। तो इससे उपकरण जो है पालिशदार थे और सीलबट्टा जो मसाला पीसने के लिए आता है, सीलबट्टा गाँव में देखा होगा सीलबट्टा, उसके माध्यम से अनाज पीसने का भी यहाँ से प्रमाण मिलता है। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे नौ पाषाणिक स्थल बुर्ज होम। नौ पाषाणिक स्थल अभी तो मेहरगढ़ गुफकराल और तीसरा भी मेहरगढ़ बुर्ज होम चल रहा है, ठीक है। तो यहां से कश्मीर में पाया गया है नौ पाषाणिक स्थल है बुर्ज होम जो है, नौ पाषाणिक स्थल है। कहाँ पाया गया भाई? कश्मीर में स्थित है। इसका शाब्दिक अर्थ है जो भुर्ज का वृक्ष, वृक्ष का स्थान, भुर्ज नामक वृक्ष जो है वो कश्मीर में पाया जाता है, तो इसलिए इसके भुर्ज का वृक्ष नामक स्थान भी कहते हैं बुर्ज होम को। आगे बढ़ेंगे कोल्डियावा चौथा जो है, चौथा स्थल है नौ पाषाणिक, चौथा स्थल है कोल्डियावा। तो कोल्डियावा की स्थिति देखेंगे हम। कोल्डियावा स्थित कहाँ भाई? इलाहाबाद जिले के मेजा तहसील के देवघाट के निकट, इलाहाबाद के मेजा तहसील के अंतर्गत देवघाट के अंतर्गत ये स्थित है, बेलन नदी के बाएं तट पर, जो बेलन नदी है उसके बाएं तट पर ये स्थित है कोल्डियावा। खोजा कौन था? बीबी मिश्रा द्वारा ये खोजा गया था। इसको कोल्डियावा बीबी मिश्रा द्वारा खोजा गया था 1964 में। उत्खननकर्ता कौन थे भाई इसके? जी आर शर्मा के निर्देशन से 1972-73 में बीबी मिश्र द्वारा तथा रंजीत सिंह के द्वारा उत्खनन कराया गया था। याद रखिएगा कभी कभी साइट के जो है उसके उत्खननकर्ता का नाम भी पूछ जाता है, तो इसको याद रखना है, हमको भूलना नहीं है, सब याद करते चलना है। वीडियो पॉज करके आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर जो चीजें मैं लिख रहा हूँ आपको, ठीक है। जो पुरातत्वविद है महगड़ा एवं कोल्डियावा को देश का प्राचीनतम गांव मानते हैं। अभी कोल्डियावा बताया जो इलाहाबाद में बेलन नदी घाटी के बाएं तट पर स्थित है, तो उसको कोल्डियावा को और महगड़ा भी एक जगह है उसको प्राचीनतम गांव, गांव का अभी तक हमें प्रमाण उसको मानते हैं। यहाँ से यहाँ प्राचीनतम गांव होने के प्रमाण मिले भाई, जो जो आवश्यक गाँव बसाने के लिए जो जो आवश्यक प्रमाण है वहाँ हमसे मिले हैं, तो इसको हम इसके आधार पर कोल्डियावा को और महगड़ा को प्राचीनतम गाँव मानते हैं। चोपानी मांडो यहाँ से पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल एवं नव पाषाण काल के तीनों चरणों का अनुक्रम देखा गया है कि पहले पूरा पाषाण काल का इसमें कुछ साक्ष्य मिला, फिर मध्य पाषाण काल का मिला, नव पाषाण काल का मिला, इस आधार पर हमें तीनों अनुक्रम देखने को मिलता है चोपानी मांडो से। यहाँ से मृद भांडो की भी प्राप्ति हुई है मध्य पाषाण काल, मृद भांडो की प्राप्ति हुई है। यह बेलन घाटी में स्थित है, गोल समान समंतात वाली कुल्हाड़ियां अधिक संख्या में यहाँ से मिले हैं, यहाँ से कुल्हाड़ी मिली है भाई बहुत अधिक संख्या में। आगे बढ़ेंगे नौ पाषाणिक उपकरण, अभी मैं कुल्हाड़ी चर्चा किया, नौ पाषाणिक जो उपकरण है पालिशदार कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी पर देखिए भैया कुल्हाड़ी पे पालिश भी मारा जाने लगा था, क्योंकि शुरू शुरू में हमको थोड़ा सा भद्दे थे, नौ मध्य पाषाण काल में थोड़ा सा जो नुकीला आया, अब देखिए इसमें नुकीला मारने के बाद अब नौ पाषाण काल में पालिश भी मारा जाने लगा उस पर चमकदार बनाने के लिए, दिखाने के लिए उसको कि हाँ अब हमारे पास बढ़िया हथियार है, पालिशदार हथियार है, उसको दिखाने के लिए कुल्हाड़ी, पालिशदार कुल्हाड़ी मिली है भाई। बसुला, बसुला मिला है, बसुला भी एक प्रकार का लोहे से बना हुआ है यंत्र है, यंत्र क्या कह इसके औजार कह सकते हैं, ज्यादातर लोहार वार उसके गांव में उपयोग करते हैं। रुखानी, हथौड़ा, इनमें से सर्वाधिक प्राप्त नौ पाषाणिक उपकरण पालिशदार पत्थर की कुल्हाड़ियां हैं। अभी हमने पीछे ही बताया कि जो पत्थर कुल्हाड़ियां नौ पाषाण काल से सबसे अधिक प्राप्त हुई है वो भी पालिशदार, ऐसे नहीं कि कैसे भी बनी हुई, एकदम पालिश के साथ चमचमाती हुई प्राप्त हुई थी। जम्मू कश्मीर में झेलम की जो घाटी है बुर्ज होम स्थित है, इसमें गुफकराल एवं मार्तन प्रमुख नौ पाषाणिक स्थल है। जम्मू कश्मीर में झेलम की घाटी में स्थित बुर्ज होम गुफकराल, जो अभी बताया नौ पाषाणिक स्थल है बुर्ज होम गुफकराल, ये स्थित कहाँ है भाई? तो जो स्थित है ये हमारे कश्मीर में झेलम की घाटी, झेलम नदी घाटी के अंतर्गत ये आते हैं। नौ पाषाण युग की जीवन विशेषताएं क्या थी? जो हमारे नौ पाषाण युग था, पूरा पाषाण युग था, मध्य पाषाण युग था, इसकी जीवन विशेषताएं क्या थी? तो इसमें हम सबसे पहले चर्चा करेंगे नौ पाषाण युग की जीवन की विशेषता, कि नौ पाषाण युग में जीवन की विशेषताएं कैसी थी, कैसा जीवन आदमी निर्वाह करता था, सामाजिक जीवन कैसा था, आर्थिक जीवन कैसा था, और कैसे मानव रहता था, खाता था, तमाम सारी चीजें। तो जो नौ पाषाण काल में सर्वप्रथम हम देखेंगे नौ पाषाण काल में कृषि, कृषि जो है, कृषि है, पशुपालन है, सबसे पहले पालतू किसको बनाया गया पशुओं में मानव द्वारा, सबसे पहले भाई किसको पालतू बनाया गया?
तो सबसे पहले जो है मानव द्वारा जो पशुपालन किया गया, तो पशुपालन तो किया गया ठीक है, तो उसके बाद पशुपालन किया सबसे पहले किस जानवर को पाला गया, मानव सबसे पहले किस जानवर को पाला होगा, तो सबसे जो पहले मानव द्वारा पाला गया जानवर है वो है कुत्ता, कुत्ता डॉग, बहुत वफादार जानवर है भाई ये कुत्ता जो है, बहुत वफादार माना जाता है। तो सबसे पहले मानव ने इसको अपना पालतू बनाया। देखिए नौ पाषाण काल आते आते जैसे मानव और बुद्धिमान होता गया, तो सबसे पहले कृषि की शुरुआत हो गई थी भाई, तो कृषि की शुरुआत हो गई थी, उसके बाद पशुपालन होने लगा, चाक पर निर्मित मिट्टी के बर्तनों का निर्माण प्रारंभ हुआ। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, चाक से निर्मित मिट्टी के बर्तनों का निर्माण कहाँ से शुरू हुआ, किस काल में शुरू हुआ, नौपाषाण काल से शुरू हुआ था। कृषि पशुपालन मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग ने लोगों के जीवन में अस्थायित्व ला दिया। देखिए सीधी सी बात है भाई, जब आदमी खेत खेत पे खेती करने लगा, अपने खेतों में खेती करने लगा, तो ऐसा तो नहीं है कि खेत को उठाएगा और लेके चला जाएगा। ऐसे पहले काल में था कि खेती नहीं करता था, मानो वो खेती का ज्ञान नहीं था, तो ठीक है भाई खेती का ज्ञान नहीं है तो आदमी शिकार कर रहा है खा रहा है, शिकार कर रहा है खा रहा है। तो नौपाषाण काल आते आते जो लोगों ने शिकार तो चल रहा था भाई, शिकार चला, देखिए शिकार आज भी चल रहा है, मुर्गा है मछली है तमाम सारी चीजें लोग खा रहे हैं, शिकार ही तो है, तो शिकार तो आज भी चल रहा है। तो कृषि जो है, तो कृषि के कारण ही लोगों के जीवन में अस्थायित्व आया, लोग अस्थायी निवास बनाकर अपना रहने लगे, कृषि का जहाँ खेत उसी के आसपास लोग निवास बनाकर रहने लगे थे। तो कृषि के कारण अस्थायित्व आया भाई, कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, किसी भी पशुपालन के अंतर्गत, पशुपालन जो है कृषि के अंतर्गत आता है। मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग होने लगा, अब भाई खाना बनाएंगे कृषि करेंगे तो अनाज को स्टोर करने के लिए कुछ चाहिए, बर्तन चाहिए, मिट्टी के बर्तन रखे या किसी चीज में, तो प्राचीन काल में बड़े बड़े मतलब अन्नागार वगैरह जो मिले थे और तमाम सारी चीजें हैं, तो जो मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे इससे भी जीवन में अस्थायित्व आया भाई। जहां मानो पहले उपभोक्ता था, जो हमारा पूरा पाषाण काल था उसमें मानो उपभोक्ता था, सिर्फ चीजें को मतलब ग्रहण करता था, अब यहाँ पे इसको जो उत्पादक की भूमिका निभा रहा था, नौ पाषाण काल आते आते उत्पादक हो गया था, तो मतलब मानव द्वारा चीजों का उत्पादन किया, जैसे खेती की जाने लगी, बर्तन बनाए जाने लगे। तो अब उस पूरा पाषाण काल में क्या था भाई, कि जो चीजें उपलब्ध थी प्रकृति में उसी के द्वारा मतलब वस्तन को ढकना या मतलब पत्ते द्वारा तन ढक लेते थे और आखेट आखेट से करके मतलब शिकार करके अपना भोजन का निर्वाह करते थे, तमाम सारी चीजें। और जो नौपाषाण काल था तो मानो उपभोक्ता था पहले, जो प्रकृति में उपलब्ध था उसी का सेवन करके काम चलाता था, बाद में जब बुद्धि का विकास हुआ तो उत्पादक की भूमिका निभाने लगा भाई। होमो सेपियंस मानव के कारण बुद्धि का बुद्धिमान मानव, उसके बाद से मानव का विकास अच्छा माना जाता है, मतलब होमो सेपियंस अच्छा मानव माना जाता है, बुद्धिमान मानव माना जाता है, तो वहीं से आपको उत्पादक की भूमिका निभाने लगा। देखिए याद करने में आपको परेशानी होती है, चीजें लाइन बाय लाइन बताई जा रही है, तो आपको अगर इसको वीडियो को देखेंगे दोबारा, एक बार देखिए, दो बार देखिए, तीन बार देखिए, जब तक आपको याद ना हो जाए, क्योंकि बहुत सारी चीजों को मैंने इसको मतलब चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है, तो इसको चीजों को हमने लिख लिख के भी बताया, जो चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से। महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करेंगे भाई, कि महत्वपूर्ण तथ्य जो है पाषाण काल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो है वो क्या है, तो देखेंगे सर्वप्रथम भारत में प्राग इतिहास का मुख्यालय नागपुर में है। नागपुर कहाँ पड़ता है? नागपुर पड़ता है महाराष्ट्र में। तो भारत में प्राग इतिहास का मुख्यालय जो है वो नागपुर में है, नागपुर महाराष्ट्र में है। प्लवन तकनीक, अनाज के दानों के विषय में जानकारी मिलती है, जो प्लवन तकनीक थी भाई, जो हमें अनाज प्राप्त हुआ, जौ प्राप्त हुआ, गेहूं प्राप्त हुआ, चावल प्राप्त हुआ, मक्का प्राप्त हुआ, तो इसके बारे में जानकारी कैसे हो गई हमको, तो प्लवन तकनीक ही है जो इतिहास के अंतर्गत, प्राचीन इतिहास के अंतर्गत अपनाई जाती है इतिहासकारों द्वारा अनाज के दानों के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए। आगे बढ़ेंगे, उत्खनन से प्राप्त महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं भाई, जो पुरातात्विक खुदाई हुई उससे हमें क्या क्या महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं, इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। यहां से गड्ढाघर तथा मालिक के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य मिलता है। गड्ढाघर भाई, गड्ढाघर मतलब दो आवासीय गड्ढे जो बताया हमने, उसमें लोग निवास करते थे, तो वैसे ही गड्ढाघर गुप्त कराल के अंतर्गत गड्ढाघर हो गया, और मालिक के साथ कुत्ते दफनाए जाने का साक्ष्य, मालिक के साथ जो कुत्ता दफनाया जाता था, कुत्ते के साथ भाई मालिक को दफनाया जाता था या मालिक के साथ कुत्ते को दफनाया जाता था, दोनों एक ही बात है, तो उसके साथ जो दफनाया जाता था वो हमें इसके अंतर्गत पाषाण काल के अंदर विशेष चीजें हैं जो प्राप्त हुई हैं। मुर्गे को भी पालतू बनाया गया, वर्तमान समय भी देख रहे हैं मुर्गे का पालन हो रहा है भाई, तो ऐसा नहीं कि अचानक से मुर्गे का पालन शुरू हो गया, अभी ये पहले से प्रथा चली आ रही है। मानव मस्तिष्क पर शल्य चिकित्सा मतलब ऑपरेशन मानव मस्तिष्क का ऑपरेशन किए जाने का साक्ष्य यहां से मिलता है। कुछ विशेष बिंदु है, विशेष भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम नौपाषाणिक बस्ती, क्वेश्चन पूछ सकता है आपकी परीक्षा में कि
नौ पाषाणिक बस्ती कौन सी है, प्राचीनतम नौ पाषाणिक बस्ती है भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत भाई? तो आप लोग बताएंगे नौ पाषाणिक बस्ती जो है मेहरगढ़, मेहर से याद रखिएगा मेहरगढ़। यहां से कृषि, कृषि जो है गेहूं जौ अंगूर कपास तथा पशुपालन का साक्ष्य मिलता है। पहली बार कुम्हार के चाक पर तैयार किए गए मिट्टी के बर्तन मेहरगढ़ दिखाई देते हैं, तो मेहरगढ़ स्थल भाई यहां से हमें कुम्हार के चाक पर तैयार किया गया मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं। भैंस पाले जाने का प्राचीनतम प्रमाण, भैंस का ही पालन होता था, ऐसा नहीं है कि भैंस आज ही हम लोग पाल रहे हैं और भैंस का दूध पी रहे हैं खा रहे हैं, ऐसा नहीं है। भैंस पाले जाने का प्रमाण हमें मेहरगढ़ से प्राप्त हो चुका है प्राचीन काल में, ऐसे हमारे पुरातात्विक स्रोत बताते हैं। आगे बढ़ेंगे, अब देख लेंगे भाई नौ पाषाणकालीन हमने चर्चा किया, अभी नौ पाषाणकालीन का जीवन कैसा था, नौ पाषाणकालीन जीवन की विशेषताएं क्या थी, वैसे पूरा पाषाणकालीन मानव का जीवन कैसा था इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। इस काल का जो मानव था भाई वो पूर्णतया प्रकृति पर निर्भर था, अभी मैंने बताया ना कि इस काल का जो मानव था उपभोक्ता था ना कि उत्पादक था, तो प्रकृति पर निर्भर था, शिकार एवं कंदमूल फन, शिकार के द्वारा शिकार करता था अपने औजारों के द्वारा और खाता था भाई कंदमूल फल, कंदमूल फल भी खाता था, भगवान राम ने भी जंगलों में कंदमूल फल खाए थे। अग्नि के प्रयोग से अपरिचित थे, हाँ देखिए अभी आ गया ना क्वेश्चन आप लोग सामने, अग्नि के प्रयोग से अपरिचित थे, बस वो अग्नि थी उपलब्ध थी उस समय, इन लोग उपयोग प्रयोग करना नहीं जानते थे उसका, उसका प्रयोग नौ पाषाण काल में हुआ जानकारी था ही थी, प्रयोग से अपरिचित थे, इसके का प्रयोग करना नहीं जानते थे। अग्नि का प्रयोग खाना पकाने में किया जाता है, तमाम सारी चीजों में अग्नि का उपयोग किया जाता है, तो इनको पता ही नहीं था कि अग्नि का उपयोग किस चीज में करना है। अगर पता होता भाई तो ये मांस को कच्चा नहीं खाते उस टाइम, पका के खाते थे, पका के खाते अगर पता होता तो पता ही नहीं था इसकी उपयोग की जानकारी हुई है नौ पाषाण काल में हुई है, कच्चा मांस खाता था क्योंकि इस काल में कृषि पशुपालन मृदभांडों के प्रचलन का अभाव था। भाई देखिए जब उपभोक्ता ही था मानो तो ना कृषि की जानकारी थी, न पशुपालन की जानकारी थी, न बर्तनों की जानकारी थी, इसी सब की जानकारी नौ पाषाण काल से धीरे आरंभ होती है, थोड़ा थोड़ा मध्य पाषाण काल के आसपास भी। सराय नहर, सराय नहर जो ये पाषाणकालीन स्थल है, इस स्थल को केसी ओझा 1966 में खोजा था, केसी ओझा ने इसको 1966 में खोजा है। यहाँ के एक कब्र होगा, कब्र में एक साथ चार मानव कंकाल दफनाए गए हैं भाई, सराय नहर जो है एक साथ चार मानव कंकाल दफनाए जाने का साक्ष्य कहां से मिलता है, तो सराय नहर से, याद कर लेंगे इसको आप। महदहा, महदहा 1978 ईस्वी में शारदा नहर परियोजना के अंतर्गत प्रकाश में आया था। ये जो जगह है भाई ये पाषाणकालीन स्थल है, जो प्रकाश में कब आया, शारदा नहर परियोजना का काम चल रहा था उसी समय खुदाई के दौरान इसका पता चला था। महदहा से वध स्थल या बूचड़खाना, जहां पर बूचड़खाना जहां पे वध किया जाता है उसका यहां से प्रमाण मिला है महदहा से। सील लोड़ा स्तंभगर्त हड्डी से निर्मित तिराग्र, हड्डी से निर्मित तिराग्र, सील और लोड़ा, तिराग्र मतलब तीर का अगला हिस्सा हड्डी से निर्मित जो था, और अंगूठी भारी चक्की एवं ओस्टियो अर्थराइटिस दंत रोग का भी साक्ष्य मिला है। देखिए भाई दंत रोग मतलब विज्ञान भी था उस समय, दंत रोग का साक्ष्य मिला है तो विज्ञान था प्राचीन काल में, सीधी सी बात है भाई। ये सब साक्ष्य कहां मिले हैं, महदहा से। धन्यवाद धन्यवाद दोस्तों, जैसा कि हमने अभी पूरा चर्चा किया पाषाण काल के बारे में कि उसको कितने भागों में बांटा गया, उसका टाइम पीरियड क्या था, उसकी जीवन की विशेषताएं क्या थी, तमाम सारी चीजें कहां से क्या मिला कैसे मिला, इन सब तमाम सारी चीजों की हमने चर्चा किया। तो आगे इसके अगले वीडियो में हम लेके आने वाले हैं पाषाण काल संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो CUET NCERT इंडियन हिस्ट्री आर्कियोलॉजी के बारे में हमें परीक्षा में काफी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि जो क्वेश्चन मैं लेके आने वाला हूँ वो परीक्षा दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं दोस्तों। इसलिए अगले वीडियो में हम अपने पाषाण काल संबंधित क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत को खत्म किया था, उसके बाद उसके क्वेश्चन को सॉल्व किया था, तो वैसे ही पाषाण काल को भी चैप्टर खत्म हुआ है हमारा, तो इसके बाद हम शुरू करने वाले हैं जो है उसके क्वेश्चन को अगले सीरीज में लेके आएंगे, क्वेश्चन सीरीज पूरा अगले वीडियो में क्वेश्चन सीरीज आने वाला है आपका, उसके लिए तैयार रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।